मेरे भाइयों को सबको जय श्री राम। और भाई सब क्या हाल चाल है सबके, फर्स्ट क्लास मौज बाहर। तो मेरे भाई काफ़ी लोग इतनी हैवी डिमांड कर रहे थे कि भैया थंडर वॉर ले गया वो 3 रील पे टेस्टिंग की। तो फाइनली भाई मैं 2 दिन से तो था भाई मेरठ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने 1-2 दिन पहले की वीडियो जो भी अब डाउनलोड कर रखी, जो भी मैंने बना रखी थी, मैंने वही डाली हुई थी। अभी मैंने कल ही परसों एक थंडर वॉर 6 रील वाला टेस्टिंग देखा होगा आपने, तो भाई ज़बरदस्त प्यार दिया आप लोगों ने उस पर भाई, फीडबैक यार क्वालिटी ऐसी तो प्यार तो बनता ही है मेरे भाई। और दूसरी बात यार, आज जो मौसम है, आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन हवा जो है वो काफ़ी नीचे स्तर पर हवा चल रही है। एंड बाबा बिल्कुल ऐसा है कि ऊपर नीचे ऐसी हो रही है हवा, मतलब ऊपर की तरफ अगर हमारी पतंग चली गई तो उसमें हवा नहीं लगेगी, तो पैंच वगैरह अगर मैं अपने मन चाहे करूँ तो वो दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वैसा पैंच मुझे मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं छोटी रेंज के पैंच करूँगा, खींच के ढील के जो भी होगा आपको सब दिखाऊँगा, ठीक है। पतंग दिखा देता हूँ, सबसे पहले पतंग कौन सी होने वाली है ये देखिए भाई, मान जाओ तो आपने साइड में देख लिया होगा। तो पतंग आज हम यूज़ करने वाले हैं ये। अच्छा, अगर आप लोग जानते हो तो मुझे इस पतंग का साइज़ बताओ कि ये कौन से फर्मे पे है और किस साइज़ की पतंग है, ठीक है। मैं भी देखता हूँ भाई, आपने मेरी अगर इतनी वीडियो देख ली तो लाडले भाई तुम भी कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, बताओ भाई क्या साइज़ हो सकता है ये, तो कौन से फर्मे पे बनी है, ठीक है भाई। देखो टेपिंग वेपिंग लगा के एकदम सेट कर दी, लेकिन आज यार सच में बता रहा हूँ वो नहीं है, हवा हवा बहुत कम है और मौसम तो आप देख रहे हो, मौसम बढ़िया हो रहा है फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब की पतंग है ना उस हिसाब से हवा चाहिए बहुत बढ़िया वाली। और तो मांझा हमारा रेडी रखा हुआ है, अपना थंडर बोर लिपटा हुआ, अभी निकाल के इसको थोड़ा सा रेंज में पार करते हैं और फिर इसको दिखाएंगे आपको उड़ा करके, कोई पैंच में आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कल वो टेस्टिंग कर देंगे। अरे भाई मैं क्या कह रहा था कि एक छोटा सा चैनल है भाई मेरा, जो आप उसे डेली बेसिस पर देखते हो आ रहे, तो भाई लाडले थोड़ा सा प्यार कर लो उसको। लाडले भाई थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जो लाल सा बटन दिख रहा ना भाई, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन सा मिल जाओ भाई कि हाँ भाई चलो भाई लाडले भाई अपने प्यार कर रही, और भाई उनके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर उन्हें एंटरटेनमेंट कर रहा, तो भाई इससे बड़ी बात क्या हो सके मेरे लिए। तो भाई लाडले बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं बड़ी, ठीक है। इसे लाल से बटन को दाब दे, सफ़ेद कर दे इसे, ठीक है। तो देख पतंग देख तू लाडले भाई, यहाँ तो पतंग देख कितनी उड़ रही है, 1, 2, 3, 4 इनका छोटी रेंज की पतंगे, छोटी रेंज में उड़ रही है पतंगे सारी, क्योंकि बड़ी रेंज की आज हवा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या कहते हो, करे पार हैं, मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सारी रिक्वेस्ट बहुत है, तो इसलिए भाई मैं ज़्यादा टाइम लंबा नहीं खींच सकता, तो चलो भाई पार करते हैं इसे। अरे भाई साहब, मैंने अनबॉक्सिंग तो कराई नहीं थारे सामने, मगर ले भाई से अनबॉक्सिंग कर देता मैं तो भूलीगा, ले कोई नहीं अब कर देंगे। चल भाई मेरी जान, दिखा दे अपना कमाल कमाल तो जब दिखाओगे, जब सारी हवा बढ़िया चलेगी। तो भाई यू है कुछ इस तरीके से अपना थंडर बोर, ठीक है, अब इसे काट देंगे, चेक करेंगे। हाँ तो भाई लाडले तैयार हो, चलो भाई इसे उड़ावेंगे पतंग को, तैयार है हमारी पतंग एकदम बिल्कुल सेट एकदम, ठीक है। चलो भाई थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि हवा नहीं है अच्छी, और हम चाह रहे हैं उड़ जा अपनी बंदो, सेट हो जा थोड़ी सी। चल मेरी जान, आज नाक ना कटवाइए, अरे तेरी की है। देखो भाई यार, ये जो पतंग है ना, ये बड़ी पतंग लाया था मैं आज, इसी बात की मारी मैं, चलो भाई थंडर बोर तो डम्मा, तो आज बढ़िया वाले पैंच करूँगा, लेकिन तुम्हें पता हवा के ऊपर सारा मामला जमा रहे हुए है। देखो भाई फिलहाल तो अपनी पतंग हल्की हल्की सी जा रही पार होती हुई, अब इतनी भी हो रही ना बहुत है। चलो भाई कुछ तो है भाई, दम खम, हवा चेंज होगी मुझे लग रहा, धीरे धीरे चेंज हो रही। ये देखो भाई पतंग तो होली अपनी धीरे धीरे पार होली जा रही, ठीक है भाई लाडले भाई। अब तो भाई मैं ये कह रहा था कि जो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं कर पा रहे, तो भाई उनको मैं एक बात कहना चाह रहा, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा, तो भाई वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर लो। पता नहीं चौधरी के सर के तो सेटिंग ख़राब हुई पड़ी है क्या, नहीं भाई बड़े बड़े यूट्यूबर परेशान हो रहे, जब तक कि हम उन्हें फॉलो बैक ना दे हैं, जब तक वो हमें मैसेज नहीं कर सकते। अरे हमें दिन में को 50 फॉलो करे आदमी, 50 लोग फॉलो करे, तो हम इसी काम में लगे रहेंगे कि हम पहले उन्हें फॉलो करेंगे फिर जाके हमें मैसेज करेंगे, ये तो बढ़िया बात नहीं भाई। तो भाई फिलहाल हवा में है पतंग अच्छी खासी, अब ये देखो ये चल रही है अपन थंडर बोर। चल बेटी के मेरा काम मर गया, चल दिखा अपना कमाल सा। ये देखो भाई चक्कर देखो पतंग में आप किस तरीके से लग रही है भाई, और अपना थंडर बोर किस तरीके से घूम रही है, जबरदस्त। चल खड़ी हो जा, आय हाय कहने की देर है भाई, धूम मटा देगी घर में घुस के, कहने की देर है मेरे भाई। मज़ा आ रहा है भाई पूरा। भैया आप देखो, आप एक बराबर में अपोनेंट आ रहा है, ठीक है, अब इसके साथ में हमारा पैंच होगा, ठीक है भैया। अब ये ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसके नीचे जानिया, तो भैया पैंच होगा ज़बरदस्त वाला। ए यू आ जाए भाई हमारे नीचे थे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कहीं तक आ जाओ यूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, बाबा की दया था।
कोई दिक्कत नहीं भाई, ले भाई। ये देखो दोस्तों हमारा पैंच हो चुका है, और ये पैंच हो चुका है बढ़िया वाला। मैंने भाई ऊपर से डाल के पैंच चला दिया अपना यहाँ पे। ये देखो ऊपर से पैंच है भाई हमारा, ऊपर से। ठीक है भाई, ये भैया पैंच बहुत ज़बरदस्त हुआ है देखिए। ठीक है जी, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ इसको। ये देखिए गाइस पैंच देखते रहो भाई, ज़बरदस्त वाले, बहुत बढ़िया पैंच हुआ एक नंबर का। ठीक है जी भाई, कुछ भी हो सका इस टाइम पे। भाई अगले वाले ने और दाब दी मेरी तो भाई, भाई अगले वाले ने दाब दी भाई छोड़ने। ए कटेगी भाई, दिख रहा कटेगी, पक्का कटेगी पक्का। अब यहाँ से भाई अगर मैंने काट दी ना इसकी पतंग, तो ये मान के चलो मान जानी लीजेंड है फिर तो, मान जानी लीजेंड है भाई। कुछ भी हो सके मेरे भाई, कुछ भी भाई। काट दी, पो मारा भाई, काट दी रे, ओ भाई काट दी, ये काट दी भाई, काट दी। ओह ये कई में सही लचके आ गई शेर की बच्ची आ गई। ओह भाई साहब कितना ज़बरदस्त पैंच हुआ था मेरे भाई, लाडले भाई, ओसम मेरे भाई ओसम। बारा भाई टेंडर बोर्डक तुम हटा दिया भाई, बम मारा सालों का घर में घुस गया भाई, दो दो तीन तीन ले थे नीचे को, बम मारा, लो सड़ो पी लो, आ जाओ ले लो, आ जा साड़े पी ले, खेर का भाई घुसा घुसा का मारुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, मगर लड़ ले, अरे मगर बाबा की दया ऐसी बात ना, जी मैं जी सारा दी यार, कहने की जरूरत नहीं है। टंच खड़ी एकदम टंच भाई, इस टाइम पे पतंग तारी जान की कसम बता रहा हूँ कम से कम 900 मीटर पे होगी यार, 900 मीटर पे। ओए होए होए होए, तहल गई है भाई, तहल गई मचा दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी भाई कसम से, जो यह पतंग वापस आ जाती नीचे तो दो तीन नगेट दी थी, लेकिन कहना अपना ले गन्नू, और धीरे धीरे ढील चली रही थी। अब मैं तो झटके मारती पर भी डर लग रहा था, मगर यार कोटन में है, कभी झटका मारता कभी टूटन वोन वो जो एकदम से कटना जावे, लेकिन भाई झटके इतने बढ़िया लगे, जरा सा भी दहल नहीं मानना, मान जाना है धूम मठा दिया। अब अगर फिर का तो कोई सा फेर डाऊंगे भाई, लेकिन इस टाइम घड़ी बदली सा तालू थोड़ी सी। गाइज आपको मेरी पतंग दिख रही है, देखो कितनी ऊँची बदी हुई है, ए वो जा रही है ऊपर सबसे ऊपर। तो मेरे भाई अभी क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मेरे भाई लॉन्ग रेंज में ना कोई पतंग नहीं उड़ रही, तो मुझे शॉर्ट रेंज में पतंग पैंच लड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे से एक दो पतंगें गिंगे से उड़ रही, तो मैं पैसे वहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तो सोच रहा था आज लॉन्ग लॉन्ग वाले पैंच ढील के चलेंगे बेहतरीन वाले, अब तो हवा भी साथ दे दी, लेकिन भाई मेरा एक पैंच देखते आस पास वालों को चुत्तर पट गया हाथ में आगे, नू गया यार यूँ पता नहीं क्यों उड़ा रहा। और भाई नीचे से कुछ अपने सब्सक्राइबर आ रहे मिलने के लिए, अभी नीचे खड़े थे सारे, देखो ये आ लिए, आओ भाई आओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड़ लो, क्या हाल चाल सारे, आ जाओ आ जाओ। तो भाई देखो कितने सारे सब्सक्राइबर आए अपने साथ मिलने के लिए, आओ भाई तुम भी वीडियो देखो क्या भाई। सारी भाई तो फॉलो किया था आपने, फॉलो बैक किया। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे आप पता नहीं उसमें क्या सेटिंग ख़राब हो रही है यार इंस्टाग्राम पे, मैं उसमें मतलब ऐसा है कि मतलब पहले तो ऐसा था कि कोई भी मैसेज कर लेता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ऐसा हो रहा कि मैसेज इन्वाइट करना पड़ रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है यार। हाँ थार में सोचा कौन बड़े लपेटे हैं, अरे सारे कटे चुपचाप, पतंगबाजी नहीं आती के सारे पे भाई, कहीं नहीं बताओ पतंगबाजी की चल रही थारी बैठ बड़े चल रही एक नंबर। सही सही सही, यहाँ से तो देख ऐसा है कि मतलब सारी छत थोड़ी नीचे है, लेकिन ये जो टंडेरे पंडेरे से बना दिए ना यहाँ से कुछ नहीं दिखता, अब मैं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है यहाँ से। तो भाई अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और मिलने का मौका पाओ फिर तुम्हें गिफ्ट मिलेगा बढ़िया बढ़िया। इसकी पतंग काटेंगे भाई, जो आगे तोड़ी है इसकी पतंग काटेंगे। ठीक है हाँ, तो भाई देख लो ऊपर से नीचे से अपोनेंट आ चुका है मेरे भाई, अब इसके साथ में पैंच करेंगे। ठीक है चलो भाई, ये ढील का ही पैंच करेंगे भाई, या वो पता नहीं क्या कारिस्तानी कर रहा, मुझे लग रहा खींच बीच ना मार दे रहा वो। ठीक है जी, अब आ नहीं रहा, जब तो इतना कुंफू मास्टर बन रहा था यू, अब आ नहीं रहा। अरे भाई आन दो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये बालक हमें मुझे तू देखना है कि यार सच में पतंग काटूँ या नहीं काटता है, मुझे देखना है था मुझे, जोर तो बोलो। ठीक है तो भाई देख लियो, अब जा कटेगी ठीक है, नहीं कटेगी तो मैं गारंटी नहीं भाई। अरे ऊपर तो चला रहा है तो मास्टर माइंड है इसके नीचे लेटर तो। अच्छा जी, ओहो क्रॉसिंग गद्दा ले तो भैया हमके किसी से कम है।
ले ले आ जा। अब चल भाई, देखो भाई पैंच देखो, अब जाता हूँ देख रही लाड़ ले पैंच देखो तुम ए वो कटेगा, अब जा पक्का कटेगा, पक्का कटेगा, छोड़ दू नहीं साले, वो छोड़ दू ही नहीं, छोड़ दू तो नहीं, वो काट दूंगा गिर गए कोई हो कभी कैच मारो कोई कुछ करो, छोड़ दू तो ही नहीं, देख रहे भाई तुम्हें पैंच है भाई, देख रहे हैं लाड़ ले ए वो जा रहे, देख हमारे पैर नीचे की तरफ, मेरी पतंग जा रही सबसे नीचे, अब यार मुझे ठानी पड़ेगी बेटा, तू आगे हुआ जा, तू आगे हुआ जा, बत्तरी फिर खत चली गई नीचे, हट जा ले साले, तू जा पहले तो करूँ, तुझे बड़ी आग लग रही, चल भाग जा, चल बैठते और बता कौन सा आएगा, ले भाई काट दी उसकी तो साले की तरह, कहाँ जगह काटती भाई साहब, देखो नीचे नीचे जा रहा, पतंग ऐसे करवा रही थी, अरे उसकी काट, वो उसकी भी कट गिरा, वो उसकी भी कट गई, वो मारा भाई मेरे ऊपर डोर पड़ी भाई, वो दोनों गई, दोनों वो दोनों गई, के नाश कर रहे भाई, वो तेरी भाई, भाई साहब ये है भाई अपना टेंडर वॉर, अरे ए ओ इलाज रहा भाई, तो मतलब भाई कान टूट गए, कान टूट गए भाई, लपेटो भाई जल्दी लपेट, इसमें गिर तो तेरी भाई, और आयु के कांड होगा दोस्तों, तक कमीर तो उसमें लजगा लग रही भाई, एक नंबर भाई एक नंबर, आ जा आ जा आ जा, कोई दिक्कत नहीं, आराम तब की टेंशन लो, टेंशन लो आराम तब की, ऊपर उठती आ रही, आ जाएगी आ जाएगी, चाहे आ जाएगी, आ जाओ भाई तुम दोस्तों, तुम्हें पतंग ला के दिखाऊंगी आज दोनों, टेंशन लो ए आ जा, नो देखो पैंस देखो कैसा हुआ था भाई, कहाँ जाके क्या रिजल्ट निकला, आ जा आ जा, जा। मेरे वाली के, हाँ मेरी वाली कन्ने कट रही, दूसरे वाली मेरी मेले जगी, तू आ जाएगा आगे कटनी भी कट रही है, और अरे यार आज अपने सब्सक्राइबर में कह रहे भाई, अब पतंग उड़ा के दिखाओ बढ़िया तरीके से, मगर यार पतंग तो बहुत बढ़िया तरीके से उड़े रोज ही, ए ए आ जा 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 आजा आजा भाई साहब, यूँ क्या हो गया भाई, लिया कट रही है, आजा जमील आजा, कन्ने टूट रहे मेरी वाली, कन्ने दूसरी वाली कट रही, मेरी वाली कन्ने टूट गए, देखो भाई लिया मैं उसके, हट जा तू, हट जा बिंदा, एक के साथ एक फ्री, आजा 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 आजा, अरे कैच मार रही मेरे, मैंने तू सोच रही इसका इसका भलाना हुआ है, कैसे आ रही, आजा आजा, ये कहाँ हिल गया, अपनी पतंग आ गई, ओह भाई आ गई आ गई आ गई, या देख लो भाई आ गई, सेंसा ही है भाई, काट के लिया घर तक, घर तक काट के लाया मैं, ये लो पकड़ो यार, पकड़ो 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 भाई, काट दो इसमें आराम से, काट दो इसमें, तोड़ दो जाए, इसे सही करेंगे, इसे सही करेंगे, इसे सही करेंगे, वाह कन्ने सुद्धा साफ था मामला, वो तो इसमें लज गया, या बच गई पतंग इतनी महंगी, ओ तेरी भाई निकाल ले कर ले गाइस, ये देखो कितना सारा मांजा आया था भाई, आयु सारा का सारा मांजा मैंने उलझा दिया, क्यों, क्योंकि भाई हुआ प्लास्टिक का, ये देखो, और वो भी लोकल प्लास्टिक है यार, जो मतलब 200-300-250 रुपये तक के मांजे आ जा, इतने बेकार जो सारे जान ले ले, ये देखो, तो इनका क्या करना चाहिए, इन्हें भाई जला लो, सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी, क्योंकि आप इन्हें कहीं नाली वाड़ियाँ फेंकोगे तो ये कहीं आपकी नाली वाली रोक देंगे, और कुछ नहीं, गलती तो है नहीं साढ़े, इन्हें जला ही लो, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ तुम्हें चीज़, ठीक है मेरे भाई, देखो अब तो भाई पतंग पतंग मैंने रख दी, क्योंकि इस टाइम पे हवा बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी होगी, क्योंकि बढ़िया मतलब ऐसे नहीं है कि भाई ज़्यादा हाई लेवल पर चली जाएगी हवा, तो फिलहाल तो मैंने रख दिया अपना, हाँ बेटा इसे पकड़ूँ, कबूतर को पकड़ूँ, बेटा नहीं कबूतर नहीं पकड़ते, गंदी बात होती है, ये बाबू उड़ने के लिए बने हैं, अगर हम इनको पकड़ लेंगे तो फिर इनकी आज़ादी छीन लेंगे,
क्या फायदा हमारे में उनके जानवरों में फर्क ही क्या। तो भैया तो दोस्तों मुझे बताओ आज का आपको फीडबैक कैसा लगा थंडर वॉर का। और लेकिन एक बात यहाँ पे है भाई, जो थंडर वॉर है हमारा वो भाई आज अनबीटेबल रहा है, मांझा कटा ही नहीं। तो मुझे तो इतनी मज़ा ही भाई आज पतंगबाजी करने में, बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देख लो मौत के कुएं में दो बार गई नीचे की तरफ पतंग, और ये देखो आखिरी में तो भाई सारा ही मामला साफ कर दिया था। तो अगर कोई प्लेयर है भाई अच्छा खासा यार लड़ाना जानता है, तो भाई स्किल का यूज़ करना जानता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई एंडू पेंडू भी है ना, अगर 500 मीटर के रेंज में जाकर थंडर वॉर तू खड़ा लेगा भाई, आप कोई तरह अपोनेंट नीचे तारा भाई ऊपर तक गिर का चक्कर लगाने पड़िया वाली भारी पतंग है, मैं नुकूँ भाई साहब 10 सेकंड के अंदर वहीं खड़ा खड़ा मुद्दा का मेरे भाई, इतना ज़बरदस्त भी है। तो ये सारी बढ़ाइयाँ ऐसी नहीं हो रही, ये सारी बढ़ाइयाँ ऐसी हो रही है उनका रिजल्ट दिखा करके, बात समझो, समझ मारी। तो फिलहाल भाई आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक ही था, क्योंकि अब पतंग भी मेरे कन्ने वन्ने सारे खराब हो रहे। तो आज का व्लॉग फिलहाल इतना ही गाइस, अगर आपको व्लॉग पसंद आया लाइक कर दियो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो मेरे भाई, बार बार कह रहा सब्सक्राइब कर ही दियो, ठीक है। मैं मिलता हूँ भाई नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत।